दिल्ली के बारहखंबा में सरकारी बैंकों के 10,000 कर्मचारियों ने मार्च निकाला है। बैंक कर्मचारियों की मांग है कि पब्लिक सेक्टर बैंक की हिस्सेदारी निजी कंपनियों को ना बेची जाए। एसबीआई में उसके 5 सब्सिडी बैंकों के विलय का भी विरोध किया जा रहा है। तो दिल्ली का बारहखंबा इलाका है जहां पर दिल्ली के बारहखंबा से जंतर मंतर तक बैंक कर्मचारी, प्राइवेट बैंक के कर्मचारी इस वक्त सरकारी बैंक के कर्मचारी प्राइवेट बैंकों में निजी हिस्सेदारी को लेकर विरोध मार्च निकाल रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। देश के सभी सरकारी बैंकों के ऑफिसर ने जो निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ में एक संसद मार्च किया है। बारहखंबा रोड से लेकर के संसद तक दिल्ली में ये कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं करीब 10,000 से के आसपास ये अफसर लोग जुटे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं जो भी फैसले लिए गए हैं कि निजीकरण जो सरकारी बैंक है उनमें हिस्सेदारी बेची जा रही है या फिर जो मर्जर किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ में एक बड़ा कह सकते हैं कि मार्च हुआ है। और हम यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ तमाम पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि सेफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि जो हाल फिलहाल में अगर हम देखें कुछ फैसले जो लिए गए, मतलब कि जो सरकारी बैंक है एसबीआई उसमें उसके 5 जो सब्सिडी बैंक हैं उनको मर्ज करने की बात हो रही है। सर, एक बड़ा मार्च निकाला आप लोगों ने, अब एक हमने देखा था स्ट्राइक, उसके बाद ये मार्च, क्या उम्मीद अब करते हैं कि सरकार आपकी बात कुछ सुनने भी आ ली है? देखिए, ये हमारा आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है। 2001 से इसको हमने बहुत तेजी से चालू किया, लेकिन ये सरकार जब से ये एनडीए सरकार आई है उन्होंने ये जो नीतियां हैं प्राइवेटाइजेशन की, मर्जर की, वो तेज कर दी है। इसके लिए हमारा आंदोलन भी तेज हो गया और जब तक सरकार झुकेगी नहीं और हमारी मांगों को मांगे नहीं की तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। यानी आंदोलन लगातार चलता रहेगा। आप यहाँ से आपको कैमरा अगर जहाँ तक आपको दिखा सकता है, एक जंतर मंदर से लेकर के जनपथ अगर सड़क देखे तो वह है 10,000 से ज्यादा, जैसा कि क्लेम कर रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा ऑफिसर यहाँ पे जुटे हुए हैं। जो कुछ मुख्य मांगे हैं, एक तो जो मर्जर है पब्लिक सेक्टर बैंक का उसके अगेंस्ट में है, जो लेबर पॉलिसी, इनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काफी कम वेतन दिया जा रहा है, इन सब के खिलाफ में मार्च है। निश्चित तौर पर सरकार ने, हालांकि यहाँ पे अगर आपको बता दूं, एसबीआई ने अपने जो भी सब्सिडी बैंक है उनको कहा है कि आपके जो भी एनपीए हैं या फिर जो बैड लोन है उनको क्लियर करने के, अपने खाता को क्लियर करने, यानी कि मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके जो अफसर है वो हार नहीं मान रहे हैं और अभी हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में संसद मार्च हो रहा है। इस समय दिल्ली से कृष्ण ललन के साथ ऋषिकेश कुमार।